इटखोरी प्रखंड के बुरकुंडा जंगल में टेम्पो पलटने से शहरजाम निवासी बजरंग राणा की मृत्यु हो गई। सूत्रों की माने तो बजरंग राणा अपने भांजा सूरज राणा को झाड़ फूंक के लिए चतरा ले गया था। सूरज राणा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चतरा से वापस शहरजाम लौटने के क्रम में भुरकुंडा अवस्थित जंगल में सूरज राणा ने टेम्पो चालक के सिर पर पीछे से लात मार दिया, जिससे टेम्पो का संतुलन बिगड़ गया और असंतुलित होकर टेम्पो दो बार पलट गया। ऐसी स्थिति में बजरंग राणा बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से बजरंग राणा को इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक ने बजरंग राणा को मृत घोषित कर दिया। मौके पर इटखोरी थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही इटखोरी महिला थाना प्रभारी खुशबू रानी इटखोरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर शव को पुलिस कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए चतरा भेजा। अंत्य परीक्षण के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजन को सौंप दिया गया। इटखोरी से संवाददाता अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। गए थे क्या बोलते हैं उसको चतरा चतरा कांड के दौरान में ये घटना हुई है। पीछे जंगल में और ऑटो पलटने से हो गई। ये ऑटो कैसे पलटी हुआ? ऑटो थोड़ा जो जिनके झाड़ फूक कराने के लिए गए थे वो व्यक्ति थोड़ा मानसिक रूप से अच्छा नहीं था, इसलिए वो पीछे से धक्का मारा और ड्राइवर अनबैलेंस हो गया, जिसके कारण ऑटो पलटी कर गया और इस तरह का घटना हो गया। ठीक है।